के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में शादी समारोह में वापस लौट रही एक एसयूवी और ट्रक के बीच टक्कर में 14 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा गुरुवार को करीब 11:45 पर प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर तेजराज नारा गांव के पास हुआ। इसमें एसयूवी में सवार सभी लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना की तस्वीर को देखकर पता चलता है कि महिंद्रा बोलेरो कार ने सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। देखा जा सकता है कि गाड़ी का आगे का हिस्सा ट्रक के पिछले हिस्से में बुरी तरह फंसा हुआ है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि पंचर होने की वजह से ट्रक सड़क के एक ओर खड़ा था, तभी एसयूवी ने पीछे से टक्कर मारी। पुलिस अधिकारियों ने ट्रक में फंसे कार के आधे हिस्से को बाहर निकाला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी पीड़ित एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव गोंडा वापस जा रहे थे। पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि सड़क हादसे के तुरंत बाद 5 शवों को बाहर निकाल लिया गया, बाकी के शवों को ट्रक में फंसी कार को बाहर निकालने के बाद निकाला गया। दुर्घटना में मृत बच्चों की उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच है, जबकि अन्य 8 लोगों की उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमने पीड़ितों के परिवार और उनके गांवों के प्रधान से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सभी शवों को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। एसयूवी और ट्रक दोनों के मालिकों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मरे लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रतापगढ़ हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की भी घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। आज दिनांक 19 नवंबर को रात्रि लगभग 11:45 बजे थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल CO कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद JCB द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को CHC कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कल दिन में इन सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी ओवरसी किया गया। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है।